सो सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अनप्लगिंग। मेरा नाम पारुल चावला एंड आप देख रहे हैं पारुल चावला नॉलेज अनप्लग्ड को। एंड आज हम आए हैं लुधियाना में, जी हाँ, द कार डिटेलिंग शोरूम, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डिटेलिंग शोरूम यहाँ पे ओपन हुआ है ऑन 14th मार्च 2023 में, एंड विच इज ओन्ड बाय मोंगा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड, अ ज्वाइंट वेंचर विद 4M इंटरनेशनल। एंड आप देख सकते हैं साथ में हमारा जो इंडिया का सबसे बड़ा कार्स एंड अलॉयज का शोरूम है वो है, और उसके साथ ही द डिटेलिंग माफिया विच इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ मोंगा टायर्स ओनली। एंड ये वीडियो स्पेशली कार लवर्स के लिए होने वाली है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा पैसा गाड़ियों पर लगाया जाता है और वो गड्डियां तैयार करके गेड़ी रूटा से जाती हैं। सो यहाँ पे क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है, कैसी सर्विसेज होती हैं, और यहाँ पे क्या प्रोफेशनल्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि एक अपकमिंग वर्ल्ड है, यहाँ पे आपको हर एक चीज का नॉलेज, हर एक चीज का ज्ञान दिया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे यहाँ पे सर्विसेज मिलती है, तो चलते हैं हम सीधा अंदर। तो गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो पारुल जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत। और बताइए सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो दिस इज अनिल जी, मैनेजर एट द डिटेलिंग माफिया लुधियाना। तो ये हमें आज सारा कुछ गाइड करेंगे, यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज होती हैं, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे डिटेलिंग माफिया में, आज हम सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे अनिल जी के साथ। सो आई वेलकम अनिल जी ऑन पारुल चावला नॉलेज। सबसे पहले पारुल जी थैंक यू सो मच हमारे यहाँ पे आने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। आइए पारुल जी, सबसे पहले पारुल जी हम लोग स्टार्ट करते हैं बे नंबर वन से जी। बे नंबर ये हमारा सारा डिलीवरी और ये डिस्प्ले एरिया है, ये okay. हमने अभी इंडियन बाइक अभी हमने ये रेडी करके खड़ा, ये पीपीएफ करके हमारे पास खड़ी है रेडी फॉर डिलीवरी। ओके। और हमारे पास ऐसे दो डिस्प्ले एरिया और हैं, ये एक थार है जो कि अभी रेडी होनी है, और एक ये स्कॉर्पियो हमने रेडी करके खड़ी हुई है ओके डिस्प्ले के लिए। सो ये बेसिकली डिलीवरी एरिया, ये सारा अपना डिलीवरी एरिया है। ओके। यहाँ से हम लोग कस्टमर को डिलीवरी देते हैं। ओके ग्रेट सर, यहाँ पे गाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं बाहर ही। आइए सर, उसके बाद में मैं सर आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा डिटेलिंग बे 2 है, यहाँ पे हम लोग अभी मिनी कूपर कंट्रीमैन डिटेलिंग का काम इस पर चल रहा है। आप देख रहे हैं ये इंजन एरिया सारा, ये प्रॉपर डिटेल हो रहा है ये सारा काम। एक मिनट इश्तियाक बोनट डाउन करना। ये देखिए सर ओवरऑल, ये हम इसके ऊपर हम इसके ऊपर पेंट करेक्शन कर चुके हैं, जो इसके ऊपर पहले हमारे पास जब ये गाड़ी आई थी इस पर लाइट स्क्रैचेस थे, सोल मार्क्स थे, जो कि हम अभी सारा निकाल चुके हैं। इसके बाद में फाइनल में हम लोग टचिंग कर रहे हैं, और इसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन के बाद इसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग अप्लाई होगी। ओके राइट सर। सो सर बेसिकली सिरेमिक कोटिंग क्या होती है? सिरेमिक कोटिंग सर हम लोग एक पेंट प्रोटेक्शन होती है जो कि गाड़ी के ऊपर, अभी होता क्या कि गाड़ी जब आप ब्रांड न्यू लेते हो तो कंपनी ओरिजिनल पेंट होता है जी, पेंट के ऊपर जो रूटीन डैमेज होता है, रूटीन डैमेज में अंदर हम लोग काउंट करते हैं, जैसे धूप से पेंट का कलर, एग्जांपल कोई डार्क कलर है अगर, या वाइट कलर है, धूप से अगर वाइट कलर है तो वो डल होता है, डार्क कलर है येलो टोन, सॉरी वाइट येलो टोन कैच करता है, कोई अदर कलर है रेड है ग्रे है, ऐसे कलर डार्क कलर डल होते हैं, हम लोग उसके ऊपर पेंट प्रोटेक्शन करते हैं, जिससे हमको फ़ायदा ये मिलता है, एक तो जो रूटीन डैमेज के अंदर जैसे धूप से कलर डल हो रहा है, यूवी ऑक्सीडेशन हो रही है, इंडस्ट्रियल कंटामिनेशन से रफनेस आ जाती है, धोने से स्वेल मार्क्स आते हैं, वो जो डैमेज है वो सारा का सारा पेंट के बजाय मैक्सिमम ऑन कोटिंग रह जाता है, ताकि हमारा कंपनी ओरिजिनल पेंट हम लोग रिटेन रख सकें फॉर फ्यूचर। ओके, कि जो इसका ओरिजिनल पेंट है हम उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। यस सर, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये जो इसकी शाइन है ये आपने बनाई, गाड़ी तो वैसे ही इतनी शाइनिंग में होगी? नहीं, ये गाड़ी ऑलरेडी चल चुकी है और इसकी शाइन पहले से पहले कम थी, अब हमने इसको रिवाइव किया है इसके ऊपर। ये तो ब्रांड न्यू लग रही है सर। सर ये फिर डिटेलिंग माफिया की एक क्वालिटी है सर। ओके, बिकॉज डिटेलिंग माफिया द परफेक्शन इज इन डिटेल है,
तो यहाँ पे हर एक चीज प्रोफेशनल्स करते हैं और परफेक्शन से करते हैं। तो ये तो हमने पहली बे देखी है जहाँ पे एक जो मिनी कंट्री है उसकी कोटिंग की जा रही है, यहाँ पे उसको प्रिपेयर किया जा रहा है बेसिकली कोटिंग के लिए, फॉर कोटिंग। यस सर, तो आगे हम देखते हैं और क्या क्या है। आपको मैं आगे दिखाता हूँ, आगे हमारा हम लोग डिटेलिंग बे नंबर टू के पास है, अब थ्री की तरफ आ रहे हैं। थ्री के ऊपर हम लोग यहाँ पर पेंट प्रोडक्शन फिल्म कर रहे हैं सर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएफ बोलते हैं। हाँ, मैंने आजकल बहुत सुना है पीपीएफ पीपीएफ, ये पीपीएफ क्या होता है सर? पीपीएफ में सर आप एक देखिए, ये एक शीट इंस्टॉल हो रही है इसके ऊपर। जी, पहले हमने बात की थी सिरेमिक कोटिंग के ऊपर। हाँ। अगर सिरेमिक कोटिंग की मैं बात करूँ तो एक वो लिक्विड फॉर्म में अप्लाई होती है जो कि बहुत थिन लेयर होती है, जो कि मैक्सिमम डैमेज अपना कोटिंग पे होता है, कुछ अमाउंट पेंट पे भी जा सकता है। बट जो पीपीएफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है सिरेमिक कोटिंग के कंपैरिजनली, वो 100 टाइम ज़्यादा थिक होती है और उसके ऊपर कुछ भी है, कोई गाड़ी से रगड़ खा गई या कुछ इस तरह का कोई भी डैमेज हुआ, वो मैक्स पीपीएफ पे ही रह जाती है। और अभी हाँ जी, बेसिकली मतलब पीपीएफ इज काइंड ऑफ अ लेमिनेशन, काइंड ऑफ लेमिनेशन। यस, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग बहुत सिंपलीफाइड अगर बात करें तो वो काइंड ऑफ लेमिनेशन हम लोग उसको ले सकते हैं। ओके, सो ये रेंज रोवर यहाँ पे आप पीपीएफ कर रहे हो? यस सर, ये पीपीएफ हो रही है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो यहाँ पे जो रेंज रोवर है इसको प्रॉपरली पीपीएफ किया जा रहा है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाई जा रही है इसके ऊपर, जो ये प्रॉपरली अब एक अल्ट्रा शील्ड के अंदर पैक हो जाएगी ताकि कोई भी स्क्रैच या कंटेमिनेशन है वो गाड़ी के पेंट पे नहीं लगेगा और लेमिनेशन पे आएगा। करेक्ट सर, करेक्ट, ग्रेट। और अगर आप चाहते हैं एक डिटेल्ड वीडियो, एक और चीज इसमें जो हम लोग पीपीएफ लगा रहे हैं ये सेल्फ हीलिंग के साथ में लगा रहे हैं। सेल्फ हीलिंग का बेनिफिट ये है, एग्जाम्पल कोई लाइट स्क्रैचेस आते हैं, कुछ भी इस तरह का कोई डैमेज आता है, तो वो जैसे हीट के कॉन्टेक्ट में गाड़ी आएगी ऑटोमेटिकली वो हील हो जाएगा, वो अपना रीशेप ले लेगा। ये मैं क्वेश्चन ही करने लगा था आपसे कि इसका मतलब फायदा क्या होगा कि हमने लेमिनेशन तो करवा ली। आप कुछ भी करवाते हैं, देखिए आप गाड़ी लेते हैं चलाते हैं ना, रूटीन में वॉश होती है ना, वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस में गाड़ी जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया में जाती है, बहुत से मतलब कंडीशंस होती है, तो होता क्या है गाड़ी के ऊपर आफ्टर सम टाइम डलनेस तो आती है ना, स्क्रैचेस वगैरह आते हैं। बिल्कुल, बट सेल्फ हीलिंग का ये बेनिफिट है जैसे ही कोई स्क्रैच आया वो जैसे हीट कॉन्टेक्ट में आएगा वो ऑटोमेटिकली वहां से हील कर जाएगा। ओके, मींस पीपीएफ अपनी रीशेप ले लेती है। ओके, ग्रेट। ये इसकी एक यूएसपी है। बिल्कुल, और अगर आप चाहते हैं एक डिटेल्ड वीडियो पीपीएफ के ऊपर तो नीचे कमेंट करना ना भूले, अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो भी लेके आऊंगा सिर्फ ऑन पीपीएफ, या फिर कोटिंग के लिए अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करना ना भूले। एंड अगर आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी, तो उन नंबर्स पे आप ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको नंबर्स, इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं अनिल जी से एंड बाकी टीम से। सो यहाँ पे तो रेंज रोवर की हो रही है पीपीएफ, तो इसके मैं आपको छोटे से शॉर्ट्स दिखाता हूँ। तो अपना हो गया था पीपीएफ का, है ना। आइए हम आपको नेक्स्ट, मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा एक्सेसरी का है। आइए सर, एक्सेसरी हमारे यहाँ पे अंगद जी हैं, ये यहाँ पे एक्सेसरी का सारा देखते हैं। मैं आपको अंगद जी से मिलवाना चाहता हूँ। अंगद जी, मिस्टर पारुल। हेलो सर। हाय सर, आपने तो बहुत ही एक सुपर्ब यहाँ पे एक्सेसरी का स्टोर भी बना लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको डिटेल कर दीजिए प्लीज। प्लीज अंगद जी बताइए। जी सर, हमारे पास ऑल ओवर कार्स के लिए सीट कवर्स हैं, उनके सेसरीज हैं, मैट्स हैं, हर रेंज में हमारे पास सीट कवर्स हैं। नापा लेदर में है, लुसेंजो मटेरियल आता है उसमें सीट कवर्स अवेलेबल हैं, जो एक नवा मटेरियल आया मार्केट में लुसेंजो करके। उसके बाद हमारे पास ऑल ओवर थार की सेसरीज है, थार की सेसरी में हमारे पास 4x4 मॉडिफिकेशन से लेके ऑल ओवर जितनी भी थार में मॉडिफिकेशन हो रही है, UFO लाइट, ग्रिल, सब कुछ है हमारे पास, हेडलाइट, टेल लाइट्स। उसके बाद कार क्लीनिंग, कार केयर में हमारे पास सारी फुल रेंज है, शैम्पूस हैं, परफ्यूम्स हैं, कार केयर के लिए आपको यहाँ पे थार के लिए भी सारा कुछ मिल जाएगा। जी, थार के लिए सारा कुछ है हमारे पास अवेलेबल। ग्रेट, ये बेसिकली आपने कंप्लीट होम दे दिया सारों को। बिल्कुल, एग्जैक्टली, कि यहाँ पे हमारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, इवन स्पेशली फॉर थार एंड स्कॉर्पियो की मॉडिफिकेशन से लेकर पेंट प्रोटेक्शन, पीपीएफ एंड ऑल। ओके, तो यहाँ पे इनका सीट कवर्स और ये चीजों का क्या फायदा होता है? सीट कवर जो बेसिकली हमारे पास हैं वो ऑटो क्रूज कंपनी के हैं, जो हमारे पास फ्रेंचाइजी है। ऑटो क्रूज कंपनी जो बेसिक है, पेरेंट कंपनी उसकी ऑटो फॉर्म है, विन कॉरपोरेशन से है और डेहराडून का इनका प्रोडक्शन प्लांट है।
जी, और जो हमारे बैक कुशन है वो हमारे ऑर्थोपेडिक मतलब सारे डिजाइंड होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैक कुशन है, अब थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए इसको। ये सारे ऑर्थोपेडिक डिजाइन हैं जो बैक, जिनके बैक पेन वगैरह रहती है ड्राइविंग में, लॉन्ग ड्राइविंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये हमारे पास टू कलर्स में सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, बीच एंड ब्लैक में। इनकी अलग अलग मतलब हम कह सकते हैं कि अलग अलग वेरिएशन से होते हैं, जिसकी जैसी नीड है उस अकॉर्डिंग। और नेक स्पोर्ट्स भी हमारे पास अलग अलग डिफरेंट वेरिएशन के हैं। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। सो दिस इज अ कंप्लीट कार एक्सेसरी स्टोर ऑल्सो, एंड साथ में कोटिंग भी है और साथ में यहाँ पे डिटेलिंग भी है, स्टूडियो भी है, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन ही है। तो इट्स अ कंप्लीट कार स्टॉप वन स्टॉप सॉल्यूशन बेसिकली। सर ये आपने स्क्रीन लगाई है, इसका बेसिकली क्या कंसेप्ट है? सर ये हमारे डेमो यूनिट्स हैं, लाइक हमें कोई भी कस्टमर को कैसी भी, उनको क्या प्रोविजन दे सकते हैं, हम क्या चीज़ दिखा सकते हैं, सिर्फ हम अपने दिखा के हम शो नहीं करते, हम उनको डेमो दिखाते हैं कि ये चीज़ इसमें अवेलेबल है, ये फंक्शंस अवेलेबल है इसमें। ओके, तो यहाँ पे लाइव आप डेमो भी डेमो विद वॉइस ऑल ओवर। ओके जी, ग्रेट सर, ग्रेट। ताकि कस्टमर अपनी गाड़ी में इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने से पहले एक्सपीरियंस कर सके कि उसकी गाड़ी में इन इक्विपमेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, बिल्कुल गाड़ी में लगने क्या वाला, हाँ लगने क्या वाला है, वो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले हमने रखा हुआ है। क्योंकि कस्टमर वैसे तो देख लेते हैं उनको, हाँ जी, देख के नहीं पता, पर एक्सपीरियंस करके पता लगता है, तो एक बेटर एक्सपीरियंस आपका जो कस्टमर के साथ रहता है। ग्रेट सर, ग्रेट। और इसके बाद क्या है हमारे पास एक्सप्लोर? आइए सर, आइए। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। ओके, यहाँ पे हम लोग वॉश करते हैं। वॉश के अंदर आप देख रहे हैं हमारे पास ये कंप्लीट एरिया जितना भी वॉशिंग वाला है। और सबसे ज़्यादा बड़ी स्पेशलिटी हमारी वॉशिंग में दो चीज़ों की है। एक हम लोग स्टीम वॉश करते हैं, जो कि इंजन के लिए होता है, क्योंकि इंजन में हम लोग डायरेक्ट वाटर नहीं मार सकते, प्रेशर वाटर नहीं मार सकते, तो उसके लिए हम लोग स्टीम के साथ डीप क्लीन करते हैं इंजन। और उसमें क्या होता है, कई एरिया के एरिया में जैसे हमारा ब्रश नहीं जाता, टू हाथ नहीं रीच होती, तो वहाँ पर इसके थ्रू हम लोग क्लीन करते हैं। दिस इज बेसिकली स्टीम वॉश। स्टीम वॉश। और दूसरी चीज़ हमारे पास थ्री पीएच वॉच अवेलेबल है लेबो कॉस्मेटिका के अंदर, जिसके अंदर तीन तरह के डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, एल्कालाइन, न्यूरल और एसिडिक। उसमें हर तरह की जो भी आपकी गाड़ी के ऊपर कोई इंडस्ट्रियल कंटामिनेशन, ऑर्गेनिक कंटामिनेशन और किसी भी तरह की कोई भी जो ऑन कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है कंटामिनेशन, वो हम लोग इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं थ्रू लेबो कॉस्मेटिका के थ्री पीएच वॉश के साथ। ओके, तो ये वॉशिंग का बेसिकली कंसेप्ट। हाँ जी, हाँ जी, ये स्पेशली फॉर सिरेमिक कोटिंग। ओके, जिस पे गाड़ियों पे सेरेमिक कोटिंग हुई होती उस पे, हाँ, ताकि सेरेमिक कोटिंग की हम लोग और ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गेविटी बढ़ा सकें। ओके, ग्रेट। हाँ जी, ये एमजी गाड़ी आपके पास? हाँ जी, ये गाड़ी हमारे पास सेरेमिक कोटिंग के लिए आई है। अभी हम लोग इसके ऊपर मास्किंग कर रहे हैं और इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर पेंट प्रिपरेशन, बेसिकली पेंट कुरेक्शन करेंगे। पेंट कुरेक्शन हम लोग दो स्टेजेस में करते हैं। फर्स्ट हम लोग जो लाइट स्क्रैचेस वगैरह वो निकालते हैं और स्टेज टू में हम लोग एक इसको शाइन देते हैं। राइट नो अभी इस पर मास्किंग हो रही है। इसमें हम लोग लेबो कॉस्मेटिका, जस्ट जैसे मैंने अभी आपको थ्री पीएच में बताया, तो इसमें हम लोग लेबो कॉस्मेटिका का प्रोडक्ट लगा रहे हैं, जो कि इटालियन कंपनी है। और लेबो कॉस्मेटिका वो ब्रांड है जो वर्ल्ड में टॉप फाइव में गिनी जाती है। ओके, आपके पास कौन से ब्रांड्स हैं सर यहाँ पे वैसे कोटिंग के लिए? कोटिंग के लिए मेरे पास मेनली लेबो कॉस्मेटिका और हम लोग ऑप्टिकोट में हम लोग दो ब्रांड करते हैं। ओके, इसके ऊपर लेबो कॉस्मेटिका का 5 इयर्स वाला प्रोडक्ट होगा, एसटीसी प्लस एचपीसी का पैकेज हम लोग इसके ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, राइट। सो कोटिंग के बेसिकली कई प्रोसीजर्स होते हैं, कोई स्टेप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर, कोटिंग के अंदर 4 से 5 तरह के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये होता है जब हम गाड़ी को रिसीव करते हैं, वॉशिंग होती है, कोई उसमें चिपिंग मार्किंग है और वो हम लोग मार्क करते हैं। और उसके बाद में वॉशिंग के बाद में हम लोग, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, पेंट कुरेक्शन स्टेप वन, स्टेप टू, इन बिटवीन कार डिटेलिंग भी होती है। डिटेलिंग के अंदर हम लोग लोगो, इंजन एरिया और इंटीरियर डीप क्लीन, एवरीथिंग, हाँ कंप्लीट, मतलब होल कार हम लोग क्लीन करते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। अगर आप वो सारे प्रोसीजर्स को देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इस चैनल पे कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको दूसरे किसी चैनल या कोई वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपको पूरी नॉलेज मिलेगी इसमें। तो यहाँ पे हम इस कार को कर रहे हैं कोटिंग लेबो कॉस्मेटिका के अंदर। ग्रेट सर, यहाँ पे मैंने स्कॉर्पियो भी देखी आपके पास। तो एक तो गाड़ियाँ जो ज़्यादातर पंजाब में चल रही है, सारी गाड़ियाँ आपके पास खड़ी हैं सर। हम लोग आप डिटेलिंग माफिया के अंदर हैं। तो यहाँ पे आप स्कॉर्पियो पे क्या कर रहे हैं सर? स्कॉर्पियो सर हमारे लिए पीपीएफ के लिए आई है।
अभी इसके ऊपर पीपीएफ इंस्टॉल हो चुकी है, पीपीएफ कोटिंग, पीपीएफ कोटिंग यही चल रहा है। बिल्कुल सर, अभी ये पीपीएफ कोटिंग इंस्टॉल हो चुकी है, अभी इस पर थोड़ा सा काम पेंडिंग है। जैसे उसके ऊपर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग कोटिंग पीपीएफ लगाने से पहले हम लोग कुछ ट्रिम ओपन करते हैं ताकि जो भी एजेस से हमें कट ना करें, प्री कट ना करें, ओके, हम लोग प्रॉपर टक इन करते हैं ताकि गाड़ी के ऊपर पीपीएफ लगी पता ही ना चले कि गाड़ी के ऊपर हमने कोई प्रोडक्ट इंस्टॉल किया हुआ है। इसीलिए अब इसके बाद में जो भी इसका जो इसको पार्ट है वो इंस्टॉल किए जाएंगे सर। ओके, मतलब आपका सारा काम यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म से होता है बेसिकली, तो यहाँ पे सारा काम प्रोफेशनलिज्म से होता है और प्रोफेशनल टूल से होता है ताकि ये ना पता लगे कि कुछ ऊपर से ऐसे ही करके कर दिया, ऐसा किया है कि हमने एक लेमिनेशन लगा दिया और वो आपको नजर आए कि नजर पड़े तो यहाँ से कट है, ऐसा कोई आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन जॉब मिलेगी सर। ग्रेट सर, ग्रेट। तो यहाँ पे इसकी भी आपने पीपीएफ की है? यस, इस पे पीपीएफ की है, अभी थोड़ा सा पेंडिंग जॉब है वो आपके सामने है सर, वो हम लोग फिटिंग वगैरह अभी जो इसका हमने रिमूव किया था ट्रिम वगैरह वो इंस्टॉल होगी। ग्रेट सर, ग्रेट। एक मैंने आपके पास पंजाब की सबसे ज्यादा शौकीन गाड़ी देखी है, थार। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं वो तो एक तो चमक इतनी अच्छी रही है, तो यहाँ पे थार का आप क्या कर रहे हैं सर? थार भी सर अब हमारे पास पीपीएफ के लिए आई है। ओके, ठीक है सर, और अभी हम लोग पीपीएफ की इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा अभी पेंट करेक्शन इंटीरियर वगैरह सारा क्लीनिंग वगैरह चल रही है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो स्क्रैचेस वगैरह हैं इस तरह के आ सकते हैं, बिल्कुल ये सारा हम लोग तो इसको थोड़ा सा क्लोज से देख सकते हैं, ये जो स्क्रैचेस आप इनको रिमूव करेंगे? यस, बिफोर पीपीएफ इंस्टॉलेशन हम ये सारे स्क्रैचेस को निकालेंगे। ओके, ग्रेट, मतलब एक बेस तैयार होगा, बेस रेडी होगा, उसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर पीपीएफ इंस्टॉल करेंगे ताकि कभी भी 4-5 साल बाद में क्लाइंट अगर अपने पीपीएफ को रिमूव करे, पील करे, तो उसको नीचे नीट एंड क्लीन एज अ ब्रांड न्यू पैनल निकल कर, क्योंकि अगर लेमिनेशन गंदे फोन पे भी किए जाते हैं तो नीचे निशान दिखते निशान है। रहते हैं और बेसिकली वो इसका डफ जो हमें डफ चाहिए पीपीएफ में वो नहीं हमें मिल पाते। तो ये पंजाब की सब तो बेसिकली कह सकते हो सब तो वधिया गड्डी जड़ी इसलिए चल रही है थार, तो इस पे भी आप पीपीएफ करने वाले? राइट सर, राइट। और आपके पास पीपीएफ में कौन से ब्रांड्स हैं सर? सर पीपीएफ में मेरे पास अल्ट्रा शील्ड एक्स ब्रांड है जो कि मेड इन यूएस प्रोडक्ट है। पीपीएफ के अंदर भी मेरे पास 3-4 तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें बेसिक मेरे पास टीपीएच और टीपीयू, ये दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं। जो टीपीयू होती है वो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी के साथ में आती है, जो टीपीएच होती है नॉन सेल्फ हीलिंग आती है। Okay. और दोनों में ही आपको मैट और ग्लॉस दोनों फिनिश मिल जाएंगे। और पीपीएफ में हमारे पास एक प्रीमियम सेगमेंट में यू पीपीएफ है जिसमें आपको क्लियर मैट और कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे। Great. वो मैं आपको जब हम मिलेंगे तो मैं आपको उसकी कैटलॉग वगैरह सारी उसमें मैं आपको कलर ऑप्शंस दिखा दूंगा। ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब यहाँ पे थार खड़ी है, आप देख सकते हो रेंज रोवर पीपीएफ हो रही है, एमजी खड़ी है, बाहर हमने देखा स्कॉर्पियो खड़ी है, अंदर स्कॉर्पियो खड़ी है, एक थार बार भी आपने बाहर वाली थार पे कोटिंग की है, राइट? यस सर, उस पे कोटिंग की है। एक इम्पोर्टेड बाइक भी देखा हमने यहाँ पे और एक हमने देखी मिनी कूपर। और इनका एक तो मेरे को ना कोट इतना अच्छा लगा कि यू लाइक इट क्लीन बट दे लाइक इट डर्टी। इनको हरे गाड़ कार गंदी चाहिए ताकि ये आपको आप जितनी गंदी से गंदी गाड़ी दे सकते हैं आप हमें दीजिए। ओके, मैं आपको नहीं बनाकर मैं दूंगा। ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब मजा आ गया सर ये शोरूम देख के जो कि जीटी रोड लुधियाना में अब ओपन जो हो चुका है। और आप यहाँ पे बाहर भी देख सकते हैं अभी यहाँ पे एक फॉर्च्यूनर आई है, ये भी आई थिंक सो कोटिंग के लिए। ये सर कोटिंग के लिए आई है कार? सर अभी इसके ऊपर डील चल रही है। ओके, इंस्पेक्शंस वगैरह चल रही है, क्लाइंट हमारे साथ में ही है वो सारा। तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर भी बेसिकली यहाँ पे आई है, अभी इनको इनके बारे में इनकी सारी डिटेल देंगे, सारा कुछ होगा। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अनिल जी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिटेलिंग माफिया को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो कि लुधियाना में जी टी रोड पर ओपन हो चुका है, अ जॉइंट वेंचर ऑफ मोंगा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आप हर एक चीज़, हर एक कार की डिटेल ले सकते हैं। सो अनिल जी, बहुत ही एक सुपर मज़ा आया यहाँ पे हमें देखने को, जो आपने ये सेटअप किया है, इट्स अ ग्रेट सेटअप है। थैंक यू सो मच पारुल जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनिल जी इस टूर के लिए, और मजा आ गया। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा कोटिंग का शोरूम इंडिया का, और साथ में ही सबसे बड़ा टायर्स एंड अलॉयज का शोरूम है यहाँ पे लुधियाना जीटी रोड। सो आज हमने एक्सप्लोर किया मोंगा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड का जो ज्वाइंट वेंचर है द डिटेलिंग माफिया, लुधियाना जीटी रोड पर ओपन हो चुका है, ये सबसे बड़ा इंडिया का कोटिंग एंड कार डिटेलिंग का स्टूडियो है। तो आप भी यहाँ पे एक बार विजिट करिए और देखिए कितना कुछ यहाँ पे है जिससे आप अपनी कार्स को हमेशा प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, हमेशा उनकी शाइन को बरकरार रख सकते हैं। और
यहाँ पे आपको हर सर्विस प्रोफेशनल्स के थ्रू ही मिलेगी। कोई भी यहाँ पे ऐसा टूल या ऐसी चीज नहीं यूज की जाती जिससे आपकी कार्स पर हार्म हो। और यहाँ पर आपको साथ में मोंगा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसी के साथ द ज्वाइंट वेंचर ऑफ 4M इंटरनेशनल द डिटेलिंग स्टूडियो भी आपको मिल जाएगा लुधियाना जीटी रोड पर। मैं लोकेशन नीचे डाल दूंगा। एंड यहाँ पे अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ मिलेगा आपको पारुल चावला नॉलेज अनप्लग्ड पर। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लोकेशन भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, यहाँ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको अपडेटेड मिल जाएंगी। एंड इसी के साथ अगर आपको कोई भी एक डिटेल्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कोई वीडियो चाहिए लाइक कि सिर्फ कोटिंग की या सिर्फ पीपीएफ की, आप कमेंट करना ना भूले, मैं वो भी आपके लिए पूरी डिटेल में वीडियो बनवा दूंगा। एंड यहाँ पे इस चैनल को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम एक नवी वीडियो के साथ विद पारुल चावला नॉलेज अनप्लग्ड के साथ।